नमस्कार, बी टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों पर। उर्फी जावेद अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं। कभी उनका बोल्ड अवतार सुर्खियों में रहता है तो कभी उनका अतरंगी अवतार आए दिनों चर्चाओं में बन जाता है। हाल ही में उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी जावेद एकदम अतरंगी लुक में दिखाई दे रही हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी जावेद एकदम डिफरेंट लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने लाल रंग को अपने ऊपर लगा रखा है, साथ ही उन्होंने अपने कानों के पीछे अगरबत्ती लगा रखी है। इसी के साथ उन्होंने ऑरेंज कलर की धोती पहन रखी है और गले में उन्होंने गेंदे की फूल की माला पहन रखी है। इस वीडियो के शेयर करने के साथ ही वह लिखती है, मुझे आशा है कि हर कोई जानता है कि छोटा पंडित भूल भुलैया का एक पात्र है। बहुत बढ़िया से हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार हुई थी लेकिन जा नहीं पाई तो सोचा वीडियो ही डाल दूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड टॉक शो कॉफी विद करण का आगाज हो चुका है। शो की शुरुआत सेलिब्रिटी कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ हुई। एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद से इसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। खैर, अब दर्शकों को नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। शो के होस्ट करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अपने नेक्स्ट एपिसोड के गेस्ट का भी हिंट दे चुके हैं। करण ने बताया कि अगली जोड़ी में बॉलीवुड के भाई बहनों की जुगलबंदी देखने जा रही है। इसी बीच फैंस ने इंडस्ट्री के तमाम भाई बहनों की जोड़ियों के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। सोर्स की माने तो यह जोड़ी कोई और नहीं बल्कि सनी देओल और बॉबी देओल की है। ऐसा नहीं है कि सनी और बॉबी पहली बार कॉफी विद करण के शो में साथ शिरकत करने वाले हैं, बल्कि इससे पहले भी सीजन 1 के 13वें एपिसोड में दिखे थे। अर्जुन कपूर और भूमि पेंडिकर की मच अवेटेड फिल्म द लेडी किलर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसका ट्रेलर देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थ्रिलिंग और सस्पेंस कहानी वाली इस फिल्म में रोमांस का भी भरपूर तड़का दिया गया है। ट्रेलर देख फैंस इसे अर्जुन के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म बता रहे हैं। ट्रेलर को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें काफी खून खराबा, गाली गलौज और इंटीमेट सीन्स हैं। अजय बैल की डायरेक्शन में बनी द लेडी किलर की कहानी एक प्लेबॉय की इर्द गिर्द घूमती है जो एक ऐसी लड़की को पसंद करने लगता है जिसकी जिंदगी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। वो लड़की काफी खतरनाक भी है। इतना ही नहीं, वो प्लेबॉय पहले से कमिटेड भी है। रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन चर्चा में बनी हुई है। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद रोहित शेट्टी अगले धमाके सिंघम अगेन के जमकर मेहनत कर रहे हैं। अब उन्होंने फिल्म से एक अपने ऑफिसर का फर्स्ट लुक जारी किया है। सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के कई एक्टर नजर आने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म कुछ नए एक्टर्स और एक्ट्रेस की एंट्री हुई है। रोहित शेट्टी लगातार सिंघम अगेन की अपडेट फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। अब उन्होंने फिल्म से सिम्बा यानी रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक जारी किया है। बिग बॉस 17 में शुरुआत से ही काफी तूतू मैमे देखने को मिल रही है। दूसरे हफ्ते में ही घर में दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। ईशा मालवीय और बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की शो में एंट्री के बाद अभिषेक कुमार हाल ही में एक्ट्रेस पर गलत आरोप लगाते हुए नजर आए। ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार बिग बॉस सीजन 17 के दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो शुरुआत से ही चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में वीकेंड के वार पर उड़ारिया एक्टर और ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की घर में एंट्री हुई। समर्थ के घर में आने के बाद अभिषेक ईशा के कैरेक्टर के बारे में गलत बात करते हुए नजर आए। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही, बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।